गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राकेश कुमार सिन्हा बीएसएस गर्ल्स हाई स्कूल मैथ्स फिजिक्स का टीचर हूं और आज आपके लिए विद्युत चैप्टर लेकर के आया हूं। विद्युत का कुछ भाग आपको मेरे वीडियो नंबर 1 में मिल जाएगा, उसमें जो कॉन्सेप्ट है कि विद्युत होता क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, वो आपको मेरा वीडियो में मतलब फर्स्ट वीडियो मिल जाएगा लिंक में। और दूसरा जो उसका मेन पार्ट है, जो आपका थ्योरी पार्ट है, जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है, वो सिलेबस वाला पार्ट मैं अभी पढ़ाऊंगा, उसमें कॉन्सेप्ट से बनाया गया है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं विद्युत। विद्युत क्या होता है ये सब आपको लिंक 1 में मिलेगा। लिंक 2 में जहां तक बात कर रहा हूँ विद्युत के बारे में, विद्युत का जब हम लोग बात करते हैं तो उसमें बताया गया कि विद्युत होता है आवेशों का प्रवाह, आवेशों का प्रवाह, ठीक है। आवेशों का प्रवाह को हम लोग विद्युत कहते हैं। तो आवेशों का प्रवाह में भी कौन सा, जब हम लोग सेल की बात करते हैं, सेल में एक ठो इस तरह से हम लोग जोड़ते हैं और यहाँ पर एक प्रतिरोध जोड़ते हैं, प्रतिरोध जिसको रेसिस्टेंस कहते हैं, क्या होता है आपके आपको बताएंगे हम, ये इस तरह का जब जोड़ते हैं तो ये प्लस बड़ा वाला पॉजिटिव होता है, छोटा वाला निगेटिव होता है। तो ये हमेशा करेंट जो होता है सो इस तरह से हम लोग फ्लो कराते हैं पॉजिटिव से निगेटिव की ओर, ठीक है, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर फ्लो कराते हैं। तो ये एक्चुअल में इसमें आवेश जो होता है सो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ऐसे होता है, अगर किसी कण का हम लोग प्रवाह देखेंगे तो इस तरह से होता है, जो आप लोग के पास मालूम है आपको फर्स्ट लीप पे मिल जाएगा। और इधर से जो प्रवाह होता है वो पॉजिटिवली होल्स का होता है, ठीक ना, इसको हम लोग कहते हैं होल्स, इंग्लिश और हिंदी दोनों में होल्स ही कहते हैं, HOLES, होल्स का प्रवाह इस तरह से होता है, ठीक है, ये पॉजिटिवली चाहते हैं। एक्चुअली जो विद्युत है वो होल्स के प्रवाह को हम लोग विद्युत कहते हैं, ठीक है। आवेशों का प्रवाह का मतलब होल्स का प्रवाह, आवेश को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं और ये जितने समय में पास करता है उसका दर निकालते हैं, मतलब कि आवेशों के प्रवाह की दर, आवेशों के प्रवाह की दर, इसको हम लोग विद्युत कहते हैं। तो आवेश क्यों बहा सपोज करते हैं और कितना टाइम में बहा, अगर मतलब एक बहा मतलब कि 10 बहता है 5 मिनट में, 5 सेकेंड में, तो एक कितना बहेगा, तो 10/5 में 5 सेकेंड में 10 कूलम गया, तो 1 सेकेंड में कितना जाएगा, 10/5, तो इतना कूलम हो गया, सेकेंड हो गया, इसको हम लोग कहते हैं करेंट। दर निकालने के लिए क्या करते हैं, एक में निकालते हैं, तो एक में क्यू बाई टी, मतलब कि मान लेते हैं कि टी टाइम में, टी सेकेंड समय में क्यू कूलम्ब आवेश प्रवाहित होता है, मान लेते हैं सर प्रवाहित होता है, तो 1 सेकेंड में कितना होगा, तो क्यू बाई टी होगा, तो ये दर यही हुआ, इसी को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, आई इक्वल टू होता है क्यू बाई टी, आई का ऐसा यूनिट होता है एम्पियर, ठीक ना, क्यू जो कि आवेश है, आई का मतलब विद्युत धारा, विद्युत धारा, क्यू क्या है आवेश, आवेश का ऐसा यूनिट होता है, इसको ए से डिनोट करते हैं कैपिटल ए से, आवेश का होता है कूलम्ब, इसको सी से डिनोट करते हैं, और टी तो आप लोग जानते हैं समय है, और समय का आप लोग को मालूम है सेकंड होता है, इसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं, ठीक है, स्मॉल एस से, ये स्मॉल एस से डिनोट करते हैं, ठीक ना। तो इस तरह से ये तीनों आवेश है और करेंट का फॉर्मूला यही है, ठीक, किसी को प्रॉब्लम इसमें, यहां तक उम्मीद करते कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि हम लोग विद्युत जान गए। अब आपको इससे पहले वीडियो में बताया हुआ कि विद्युत का प्रवाह क्यों होता है, विद्युत का प्रवाह होता क्यों, मतलब कि आवेशों का प्रवाह क्यों होता है, विद्युत मतलब विद्युत धारा, विद्युत का धारा जो मतलब आवेश, आवेशों का प्रवाह क्यों होता है, तो आवेशों का प्रवाह होता है एक्चुअल में किसी भी सेल से, किसी भी सेल से, सेल के कारण जब आवेशों पर दाब डाल करके, दबाव डाल करके धकेला जाता है उसको, तब वो प्रवाह होता है। तो ये सेल ऐसा दबाव क्यों डालती है, ये सेल ऐसा दबाव डालती है क्योंकि इसका दोनों इंड के बीच है, मतलब बैटरी, सेल का मतलब क्या, एक तो यहाँ पर जो आप घर में देखते होंगे बैटरी, जिसको हम बैटरी कह रहे हैं, चलो सेल कराता है, अकेले में सेल कराता है, जब एक से ज्यादा कॉम्बिनेशन होता है तो बैटरी कहते हैं। तो इस तरह से ये पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है, लिखा होता है, तो ये दबाव डालता है इस पर बहने के लिए, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास बहुत होता है तो इसको दबाव डाल के बहाता है, तो ये क्यों बहाता है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, यानी निगेटिव है या पॉजिटिव है, तो ये दोनों इंड के बीच में, दोनों छोरों के बीच में एक अंतर आता है जिसको हम लोग कहते हैं विभवांतर,
विभव अंतर, विभव अंतर मतलब विभव का अंतर, विभव का अंतर, विभव का अंतर मतलब चार्ज, मतलब आवेशों का अंतर, आवेशों का अंतर, आवेशों के अंतर के कारण ये विभवांतर आता है, जिसके कारण करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, मतलब विद्युत धारा का प्रवाह होता है, इसको याद रखेगा। और विभवांतर हम निकालते कैसे है, ठीक है, कैसे इसको निकालते हैं, इसके लिए इसको हम लोग वी से डिनोट करते हैं। क्यों वी से करते हैं, क्योंकि विभवांतर का एसआई मात्रक जो होता है विभवांतर का, वो वोल्ट होता है, ठीक ना, वो वोल्ट होता है, एक्चुअली वोल्टेज कहते हैं विभवांतर को, अंग्रेजी वोल्टेज कहते हैं, और उसका हम जो बात करते हैं सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, वोल्टेज उसका ऐसा यूनिट होता है जिसको हम लोग वोल्ट से लिखते हैं, ठीक ना, वोल्टेज होता है जिसको हम लोग वोल्ट कहते हैं, और इसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर को अंग्रेजी में कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ये इंग्लिश टर्म याद रखिएगा, ठीक है, इसको पीडी से हम लिखेंगे बार बार, पीडी का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और विभवांतर हो जाएगा, और यहाँ पर इसका एसआई यूनिट क्या होता है, तो वोल्टेज होता है जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में वोल्ट लिखते हैं, ठीक है, यहां तक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं, विभवांतर को हम लोग मेजर कैसे करते हैं, ठीक ना, तो क्या करते हैं इसको मेजर करने के लिए, थोड़ा सा देखिए, अब इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि विभवांतर कैसे निकालते हैं, एक्चुअल में जब किसी तार में किसी आवेश का प्रवाह होता है तो कहता है कि यहां से यहां तक किसी बिंदु से कहीं पर भी किसी वायर में ले जाने में, ठीक ना, दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को ले जाने में, मतलब कि इकाई आवेश को ले जाने में जो कार्य करते हैं, इकाई आवेश को सपोज करते हैं कि इसमें हम क्यू आवेश को यहां से यहां तक ले जा रहे हैं और उसमें कितना काम किए थे डब्ल्यू, तो क्यू कूलम्ब आवेश को ए से बी नाम देते हैं, को ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य बराबर कितना है डब्ल्यू, क्यू कूलम्ब आवेश को, अब किसी भी चीज को हम एक से दूसरे जगह ले जाएंगे तो काम तो करेंगे ना भाई, अरे हम लोग पढ़ चुके हैं नाइन में हम लोग कि किसी भी वस्तु का विस्थापन अगर होता है तो कार्य होता है, यहाँ किसका विस्थापन कर रहे हैं आवेश का, तो आवेश यहाँ से उठ करके यहाँ जा रहा, इसका मतलब क्यू आवेश को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में काम किए, मान लेते डब्ल्यू काम किए, तो एक कूलम्ब आवेश को ले जाने में कितना काम करेंगे ए से बी तक में, तो कितना काम करेंगे डब्ल्यू बाई क्यू, और अभी हम आपको बताएं कि इकाई आवेश को ले जाने में जितना कार्य किया जाता है उसी को हम लोग वी कहते हैं, मतलब कि वी इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू, वी मतलब विभव पोटेंशियल है, ठीक ना, लेकिन इसको वोल्टेज चूंकि यूनिट होता है इसे वी से डिनोट करते हैं, और इतना हो गया हमारे पास वी इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू वोल्ट, ठीक है, इतना वोल्ट हो गया, ये हम लोग का विभवांतर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आगे आप लोग को बहुत काम आने वाला विभवांतर, अगर आगे आप 11th 12th साइंस से कीजिएगा या साइंस बैकग्राउंड में आप आगे बढ़ना है तो ये आपके लिए बहुत काम का चीज है विभवांतर, तो विभवांतर वी इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू हो गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब आपसे अगर कोई कहे, सपोज करते हैं कि क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल्स में और आपको न्यूमेरिकल्स में कोई क्वेश्चन देता है और क्वेश्चन में कहता है कि हम 5 एम्पियर करंट को, सपोज करते हैं आपका क्वेश्चन बुक में दिया हुआ है एक 12.1 एग्जांपल जैसे आपने दिया, बोलता है किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, तो उसमें बताइए कि कितना आवेश बहा, तो 0.5 एम्पियर, बोला I equals to 0.5 एम्पियर, तो एम्पियर लिखा है और कितने समय दिया है T equals to लिखा है 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, तो पूछता है कितना आवेश जाएगा, तो हम अभी फॉर्मूला पढ़े I equals to Q by T, मतलब Q equals to क्या होगा IT होगा, I ले 0.5 एम्पियर into T 10 मिनट, तो मिनट को सेकेंड में बदल देते हैं तो 600 सेकेंड, तो 0.5 × 600 इतना हो जाएगा आपका आवेश निकाल रहे हैं एम्पियर सेकेंड, इसका मतलब हो गया 5 × 6 = 30, 0 0 एक अंक के बाद काट दी, मतलब 300 एम्पियर सेकेंड, मतलब कि 300 कूलम्ब चार्ज, ठीक है, हमारे पास आंसर क्या आएगा 300 कूलम्ब, किसी को दिक्कत, मतलब 1 कूलम्ब इक्वल्स टू, ध्यान रखिएगा अगर हम इसमें क्यू इक्वल्स टू लिखते हैं आई टी, इसका मतलब हो गया 1 कूलम्ब इक्वल्स टू
1 एम्पियर इनटू 1 सेकंड, मतलब 1 एम्पियर सेकंड इज आल्सो कॉल्ड 1 कूलम, ठीक ना। 1 एम्पियर सेकंड को हम लोग 1 कूलम भी कहते हैं, इसको याद रखिएगा। अगर कूलम की परिभाषा आपसे पूछे तो भी आप यही बोलिएगा कि 1 सेकंड किसी परिपथ में चार्ज की वह मात्रा जो परिपथ में 1 सेकंड तक बहने 1 सेकंड में 1 एम्पियर विद्युत धारा को प्रवाहित करती है उसको कूलम कहते हैं। एक कूलम, एक एम्पियर भी अगर आपसे परिभाषा पूछता है कि एक एम्पियर क्या है, ये यहीं से बनाएंगे हम लोग। अगर आपको कूलम का परिभाषा पूछा तो वह आवेश की मात्रा जो एक सेकेंड में एक एम्पियर करेंट को फ्लो कराता है, एक एम्पियर विद्युत को बहने में बहता है, तब उसको हम लोग एक कूलम कहते हैं। अगर आपसे एम्पियर का पूछे तो I equals to Q by T हम जानते हैं, 1 एम्पियर equals to 1 Q by 1 सेकेंड, 1 कूलम by 1 सेकेंड। तो इसका परिभाषा कोई पूछे कि 1 एम्पियर को परिभाषित कीजिए, तो लिखेंगे विद्युत धारा की वह मात्रा जो 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज को प्रवाहित करता है उसे हम लोग 1 एम्पियर विद्युत धारा कहते हैं, करंट कहते हैं, बस एक एम्पियर करते हैं। ये परिभाषा देने का इसका तरीका है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। इसमें आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ बुक में उसको बना लीजिएगा और उम्मीद करते हैं आप लोग इसमें दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद एक जो विद्युत परिपथ आरेख आपके बुक में दिया हुआ है, विद्युत परिपथ आरेख के बारे में हम लोग जानेंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं जानेंगे, उसको हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे, ठीक ना। और उसके बाद हम लोग ओम का नियम पढ़ेंगे। ऐसे आप लोग बहुत सारा उसके बारे में जानते हैं कि क्या क्या उसमें लिखा है, कि मतलब विद्युत धारा का, उसको आप एक बार देख लीजिएगा और देख करके उसको पढ़ लीजिएगा। और अगर कहीं प्रॉब्लम होगा तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है आप लोगों के पास, नहीं है या फिर कॉल कीजिए या जो भी कीजिए, 9304634398, इसे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, आपको उसका उपाय मिल जाएगा। और अगर आपको समझ में आए, अच्छा लगे चैनल को, तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज हम लोग यही छोड़ेंगे, आप लोग इसको देखिएगा, बहुत छोटा चैप्टर है, आपको यही एक चैप्टर पढ़ना है इसमें, और उसमें शायद हीटिंग इफेक्ट नहीं पढ़ना है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव नहीं पढ़ना है, तो वो छोटा आपका ये 3-4 मतलब 4-5 वीडियो में खत्म हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक कोरोना में सावधानी रखिएगा, ध्यान से रहिए, बढ़िया से रहिए, सावधान रहिए, तब तक टेक केयर, गुड नाइट, ओके बाय।